पढ़ने पर सिर्फ इतनी दुआओं से नवाजिएगा कि मुझे पता चले मेरी बात किसी एक बंदे तक पहुंच गई, नौकरी हो। मिसरा पढ़ रहा हूँ गमे, और शायद इस मिसरे को लुत्फ करबला में ही पढ़ने का, और मौका भी अरबईन हुसैनी का हो तो ये मिसरा लुत्फ दे, शायद करबला में भी वो मौका दोबारा नहीं बनता जो अरबईन हुसैनी पे देखने को मिलता है। ये बात आपके सामने आ रही है, गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। यहाँ से जबान से मिल सकते हैं, हाथ उठा के नारा है हैदरी, जो थक नहीं गए वो दूसरा नारा हैदरी, जो किसी यजीद से डर नहीं गए हाथ उठा के नारा है हैदरी। मैं हुसैन में हो गया यार, नहीं आ गया वक्त बचाइए हमें, हाथ खोलिएगा अपने और हाथ उठाइएगा। हमें हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो, हुजूर दुआओं से नवाज दीजिए, भाई जान बात बनाइएगा, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार है। इतना हसीन माहौल, इतना हसीन मजमा, अरबाब अज़ा में चौथा मिसरा पढ़ रहा हूँ जनाब अब्बास की बारगाह में, और मेरा दिल नहीं मानता कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का मौतकिद मेरे सामने बैठ के मेरे मौला अब्बास को सलाम न करे। ये कैसे हो बस मिसरा में समझा सकूं, आपने देखना है जलाल कैसा है। खमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। क्या कहते हैं, एक शेर सुना, दबा के दांतों में दरिया, दबा के दांतों में दरिया, मेरा भाई मैं मौला अब्बास पढ़ूं मेरा फिर टोके, दबा के दांतों में दरिया, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास। अमित शाह जी कि जैसे शेर, आलिम अब्बास भाई शेर सुनूंगा, कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। मिसरा उला पे रुकूंगा शायद, पहला मिसरा आप लोग लुत्फ लें तो अगला आपके सामने रखे। करबला है मोहल्ला है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की धरती है, अरबाब अज़ा मेरा आपसे वादा हो गया, अली अब्बास अस्करी के कद से बहुत बड़ा मिसरा है। आप जरा पहला मिसरा सुन के इसका लुत्फ लें तो मैं देखूं कि मुझे दूसरा पहुंचाना है कि नहीं। अश्क बार होता है, उससे प्यार होता है, शेर के मुंह में, भाई मुझे देखी, शेर के मुंह, हाथ खोल के हाथ उठाना, शेर के मुंह, जजमेंट नहीं करनी, मजलिस है, फॉर्मेलिटी नहीं, मेरे भाई इबादत है यार। शेर के मुंह में शिकार होता है, शेर पढ़ लूं, करम हुसैन का लाया है फिर नहीं आया। हुसैन का लाया है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई उठ के सवाल करे भी अली अब्बास तुम किस पे, आप पे क्या सवाल बनता है भैया, कि करम हुसैन का लाया। भैया शेर देखना, मैंने खसूसी तवज्जो करवाई है, अश्क बार होता है, उससे प्यार होता है, शेर के मुंह में शिकार होता है, जागी ना तुम्हें हुसैन का वास्ता, अरे करम हुसैन का लाया है फिर नहीं आया। क्यों, सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। करम हुसैन का लाया है, सर बड़ी मेहरबानी, करम हुसैन का लाया है हुर नहीं है, सजा का डर हो तो मुजरिम। अच्छा एक शेर आपके और हवाले करते, मैं छोड़ के चल रहा था मौला गवाए, लेकिन अब सुनिए, इतना हसीन सामने मुझे मिल गया, सजा का डर हो तो मुजरिम, अदील शिराजी साहब मुझे सुनिएगा, सजा का डर हो तो मुजरिम, लफ्ज है रहवार, रहवार उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्हें नहीं पता, जिन्हें पता है उनको सबक सुना रहा हूँ। रहवार कहते हैं घोड़े को, ठीक है, या हौसला अफजाई न करते या शेर जाया न जाए, मौला की कथा में चली शेर सुनिए, अश्क बार होता, अरे मुझे बस जवान दिखाइए जो अपने आप को जनाब अली अकबर का मौतकिद कहे और शेर समझ के जाया कर देगा। अश्क बार होता है, उससे प्यार होता है, शेर के मुंह में शिकार होता है, सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, कहां हो
अरे कहाँ हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ के राहवार पे अकबर सवार हो। सुभान अल्लाह, जियो जियो जियो, वाह 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 वाह, यहाँ चराग के सूरज के दांतों में दरिया चढ़ा है क्यों? अरे कोई मजाक नहीं है, गाजी 10 लाख के सामने खड़े, बच्चों का खेल थोड़ी है, आज अली का अली बेटा 9 लाख के लश्कर के सामने आ गया। कोई छोटी बात है? अरे गाजी 10 लाख के सामने खड़े हैं मेरे भाइयों, ये मजाक नहीं है, अली का अली बेटा। करबला मौला है, इतना मुकद्दस मकाम है, मैं चाहता हूँ कि इस हसीन माहौल से एक फिक्र मुझे याद आ गया, अल्लामा नासिर शहीद का, ये यहाँ से एहसान और तोहफा उनकी रूह को पहुंचे, खुदा उन्हें करवट करवट दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, हमें चली बहुत बड़ी बात है, फिक्र अल्लामा नासिर शहीद का, करबला मौला से मैं चाहता हूँ उनकी रूह को तोहफा पहुंचे। जल्दी सब, ये जो छोटी उंगली है ना, मुझे देखना, ये इस छोटी उंगली को कहते हैं अंगुश्त सबाबा। अल्लामा नासिर शहीद बता रहे थे कि गाजी 10 लाख के सामने आ गए, ये देखना कि मेरा दामन फैला हुआ है। मैं हकीर कह रहा हूं कि मैंने मौला अब्बास के हमले पे इस मजमून में, इस बैकग्राउंड पे इससे बड़ी बात नहीं सुनी। हामिद शेख जी से लेकर भाई आलिम भट्टी, अदील भाई, अली अहमद भाई और वो तमाम अहबाब जो इस विलाई कारवान का हिस्सा है, आप सबके सामने गुजारिश है, जिनके मुझे नाम नहीं भी आते, इससे बड़ी बात आप लोगों के पास हो तो प्लीज मुझे दीजिएगा, मुझ कम फहम के इल्म में कुछ ना कुछ तो इजाफा होगा ही, लेकिन मेरे पास इससे बड़ी बात नहीं है, ये खजाना है जो आपके हवाले कर रहा हूं। बाखुदा जुमला अल्लामा नासिर का है, छोटी उंगली को अंगुश्ते सबाबा कहते हैं, गाजी 10 लाख के सामने है, शहीद ने कयामत ढाई है, फरमाते याद रखे ज़माना, अरे जो अंगुश्ते सबाबा से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास। अरे जो ऐसे नजर के जोर पर रोक ले 10 लाख के लश्कर को उसे गाली के, मजाक थोड़ी है। बल्कि हैदर रिज़वी भाई का मुझे शेर याद आ गया, मिर्जा गालिब की जमीन में, हाँ, दिल और दे उनको जो न दे मुझको ज़बां और, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, इस जमीन पे मेरे भाई हैदर रिज़वी साहब ने लिखा है, फरमाते हैं हारून को, अरे हारून को अब्बास से बिल्कुल ना मिलाना, मूसा की दुआ और है जहरा की दुआ। अरे कोई तो है मुश्किल बात का खरीदार, मेरे पीछे जो खड़े हैं हाथ उठा के नारे हैदरी, अरे मूसा की दुआ और है, बिल्कुल मेरा बदल खत्म हो गया, अरे मूसा की दुआ और है, मूसा की दुआ और है, जहरा की दुआ। मूसा, आप लोग करबला आए, आप लोगों ने अरबईन का सफर किया, आप लोग नजफ से चले और आप करबला, खुदा की कसम नजफ से कौन चले अगर मंजिल करबला ना हो तो, नजफ पे अशरफ छोड़ने वाली जगह, वहां से चले ही तब की मंजिल कर बला, पूरे सफर ऐसे पता चलता रहा जैसे दुनिया हुसैन के अलावा किसी को जानती है।
रोना ना पूरे सफर यही पता चलता रहा, जैसे दुनिया में एक पॉइंट ही कर्बला है, उसके अलावा कोई मकाम ही नहीं। बस कर्बला बस हुसैन, बस कर्बला बस हुसैन, बस कर्बला बस हुसैन, अली से हुसैन बादशाह तक का सफर। अरे गर्मी थी, अरे भूख, अरे माजरत के साथ आप लोगों को प्यास नहीं लगी, आप लोगों को पसीना नहीं आया, आप लोगों को गर्मी में, अभी भी मैं मजमे में देख रहा हूँ आप लोगों को गर्मी यकीन में महसूस हो रही है। अगर इंसान है ना यार, ये तो नेचर है ना, इसमें कोई नई अजीब बात तो नहीं है। करवाला अब यहाँ बैठे हैं ना आप लोग, गर्मी महसूस हो रही है ना, मैं आपको एक शेर सुना रहा हूँ मौला का वास्ता। और मैं कहता हूँ ये जो दिल है ना दिल, उसने कहा था खिजा के बाग में झोंके खुनक हवा के चले, इतने ठंड पड़े अमित शाह जी, इतने इधर यहाँ ठंडक पड़े तो पालिएगा, वरना प्लीज चुप रहिएगा, मैं खुद आपको कह रहा हूँ। बात मौला अब्बास के नौकरों से ऐसे के सारे बैठे हैं, लेकिन अल्लाह करे मैं समझा सकूं। मूसा की दुआ और है जहरा की दुआ और, तो याद रखे जमाना, अरे जन्नत की हवाएं भी बहुत खूब है, लेकिन जन्नत की हवा और है करबल की हवा। जन्नत की हवा और है। आखिरी दो मिसरे और जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, या अली मदद। जन्नत की हवा और है करबल की, परेशान तो नहीं हो गए हम लोग, करबल की महसूस न कीजिएगा मेरी आपको आखिरी तकलीफ है। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक हर वो बंदा हाथ उठाए जिसे नाज है कि वो अली बादशाह के बच्चों का मातमी है। जो मातमी है वो हाथ उठाए, जो नहीं मेरी किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं। भाई जिशान आपके हवाले से मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कितना मातम होता है, मेरे मौला का आप पे कैसा करम है यार। हम कब से आपके नोहे सुन सुन के मौला की कसम, अब आपके सामने पढ़ रहे हैं, सीनियर हैं, बड़े हैं मेरे, कितना मातम करवाते हैं पूरा साल। मैं मिसरा पढ़ूं बा खुदा मजा आएगा, बल्कि हर मातमी सोचेगा ये मेरे दिल की बात थी, अली के पास अस्करी तक पहुंची कैसे। बातें वो नहीं जो आवाम की हैं, बातें वो हैं जो खवास की हैं। जरा मेरे भाइयों मौला का वास्ता, बहुत अच्छा सुन रही हैं ये जवान जो बैठे, जरा शेर सुनिए। मूसा की दुआ और है जहरा की दुआ और, जन्नत की हवा और है करबल। मौला का वास्ता जो इगड़े तू आदमी है, करबल की हवा और, तो शेर अस्करी पड़ रहा है सर ताबा कदम, और देख सर ताबा कदम, सर ताबा कदम खून में मेरे लाल जरा, मेरे लाल आखिरी दो मिसरे मातमियों के हवाले। यानी फिर भी ये कहती है माँ, फिर भी ये कहती है, ये जो अहबाब खड़े हुए मौला का वास्ता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर है, किसी के साथ ज्यादती न हो, किसी का हक न खाया जाए, आप लोग मौला का वास्ता इधर आ जाइए, आप लोग जाने वालों का रास्ता बंद कीजिए, मेरे मौला आपको सलामत रखे। माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल, मुझे देखिएगा मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल, हुजूर मुझे देखिएगा मेरे लाल, जरा और तो याद रखे जमाना हम, अरे हम मातम में जंजीर यूं ही करते रहेंगे, तू फतवे लगा और लगा और लगा। मौला आपको कभी किसी को मोहताज नहीं करें, मौला आपका कदम कदम चल के आया, कबूल फरमाए, सलावत बुलंद आवाज से तिलावत फरमाई और ये रास्ता दे दीजिए। बाकी मजीद बैठ ठीक है ठीक है ठीक है, तशरीफ रखिए मौला के नाम पर बाबे आजा। दुनिया अगर दुनिया अगर इस फजीलत को समझ लेती तो फिर भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाता। फजाइल मेरे हिस्से का हो गया कम से कम और थोड़े से थोड़ा, दो फिक्रे मसाइब के टूटी हुई पसलियों वाली बीवी की बारगाह में पुरसा पेश करने के लिए।
सलावात बुलंद आवाज से तिलावत करना। रास्ता दे दो यार, मैं तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं तो छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं रुको, बस ले रही है, अपना लगा हुआ है। आप शुरू करें, बाबा से बुलंद शनवाद दूसरे धाके में पर तशरीफ। मेरे जूते भैया आ लिया, अगला जाकिर आए, क्या हो गया माहौल मसला? तमाम जायरीन से गुजारिश है कि ये रास्ता दे दें, जो जायर गुजर रहे हैं उनके लिए रास्ता दे दें। ये रास्ता अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो मजलिस खराब होगी, लोग शोर करेंगे, बराए करम सिर्फ ये चौक छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस तरफ आके बैठे तमाम जाकिरीन आए हुए हैं, सिर्फ